नमस्कार साथियों, आज 21 मई 2021 है और राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं उनके किए गए कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर कुछ बोलना चाहता हूँ। राजीव गांधी जी भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, देश के 7वें प्रधानमंत्री जी, युवा प्रधानमंत्री जी के रूप में स्थापित हुए। जिस समय ये देश 31 अक्टूबर 1984 को एक घटना घटी जिसके तहत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, तो देश बिना नेतृत्व की हो गया। उनके बाद सत्ता का हस्तांतरण राजीव जी को किया गया। इसके बाद चुनाव हुए और चूंकि प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व अनोखा था, उनकी शहादत के बाद राजीव जी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जनरल इलेक्शन, उस इलेक्शन में इन्हें भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई और आज तक का उसका रिकॉर्ड है कि जितने सांसद उनको मिली कांग्रेस को, उतना आज तक किसी को नहीं मिली। इसके बाद आधुनिक भारत के निर्माता, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न श्री श्री राजीव गांधी जो कि हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको दिल से याद करते हैं। आपको बता दें कि श्री श्री राजीव जी जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दूरसंचार क्रांति, कंप्यूटर शिक्षा, लोक अदालत, कृषि एवं देश की सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखी, देश के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाया। आपको बता दें कि हम उनके आदर्शों पर चलकर देश की सेवा ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने मताधिकार की उम्र 18 वर्ष कर दी। आज भी जो हमारे बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं, लड़कियां या लड़के, उन्हें मताधिकार प्राप्त हो जाता है। सत्ता की विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज लागू किया गया, राजीव जी इसकी देन है। इस दौरान आपको देखना होगा कि किस तरह से हमारा 21वीं सदी में भारत का सर्वांगीण विकास होगा, उसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन भारत रत्न प्राप्त श्री श्री राजीव गांधी जी ने रख दी थी। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति तैयार की गई और जिसके तहत नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई, जहां पर रूरल टैलेंटेड की वहां रहने की, उनको निखारने की, उनका सर्वांगीण विकास करने की लिए संस्थाएं खोली गई। आज पूरे भारत में हर जगह जिले में एक, कम से कम जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है, जहां पर प्रतिवर्ष कहीं 40 बच्चे, कहीं 80 बच्चों का इंटेक है और रेजिडेंशियल सेटअप है। ये कोरोना काल चल रहा है,
इस वजह से वहाँ अभी ऑनलाइन एजुकेशन चलती है, पठन पाठन चलता है और आधुनिक भारत की शिक्षा जो CBSE बोर्ड पैटर्न है वो उनको मुहैया कराई जाती है। ये नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री सातवें प्रधानमंत्री श्री श्री राजीव गांधी जी, जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 को प्रभावी किया। 1987 में एक स्कूल खोला गया झज्जर में, जवाहर नवोदय विद्यालय और अमरावती में। आज लगभग 677 पूरे भारत में जिले हैं और हर जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित है। केवल तमिलनाडु में हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर श्री श्री राजीव गांधी जी की व्यक्तित्व अनूठा है। उनका सरलता, सहजता, सहिष्णुता, बंधुत्वता, बंधुत्व भाव अनोखा था। कहाँ एयरलाइंस में पायलट और कहाँ प्राइम मिनिस्टर। तो आज उनके शहादत दिवस पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं, सादर याद करते हैं और आशा करते हैं कि हम उनके बताई हुई रास्ते पर चलकर भारत का समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हमारे भारत सरकार उनके बताए गए, उनके लाए गए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर। बने रहिए हमारे बीच। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुण्यतिथि पर, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। महासंक्षिप्त भाषण आपको सुना, धन्यवाद।